नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रण में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी हुंकार, ये बड़ी खबर। कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार प्रसार, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सभी कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के रण में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। आपको बता दें कि कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में वो चुनावी जनसभा करेंगे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण में भी मतदान होना है और ऐसे में सातवें चरण में कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसी के मद्देनजर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो उनके साथ इन तमाम चुनावी जनसभाओं में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुशीनगर से हमारे सहयोगी आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़े। आदित्य, सबसे पहले आप जाना चाहेंगे, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार के लिए कुशीनगर पहुंचेंगे, किस वक्त तक उनका कार्यक्रम संभावित और किस तरह की तैयारियां? जी, जैसा कि आपको बता दें कि आज कुशीनगर के महाविद्यालय में आज गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी जनसभा का संबोधन करेंगे और भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह 11:30 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और 12:30 पर बलिया के लिए रवाना होंगे। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कुशीनगर में आस पास के जिले के लिए फोर्स लगाई गई है, कहीं भी सुरक्षा में चूक ना हो। साथ ही साथ यहाँ अगर नगर में जो वाहन के रूट चेंज कर दिए गए हैं, वाहन जो आ रहे हैं बाहर बाहर हटाए जा रहे हैं, कहीं नगर में ना आए कि ताकि भीड़ भाड़ हो। तो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है, कहीं कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए वह पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ है और व्यवस्था भी किया हुआ है। तो आज कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में उन्होंने आज विजय कुमार दुबे जो है प्रत्याशी है उनके पक्ष में समर्थन मांगेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल आदित्य, ये भी जानना चाहेंगे आज क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार प्रसार के लिए कुशीनगर पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन द्वारा की गई है और खासतौर पर कुशीनगर की जनता में आज किस तरीके का उत्साह? जैसा कि आपको बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पूरी तरह से आस पास के जिले के फोर्स लगाई गई है कि सुरक्षा में चूक ना हो। और यहाँ की जो जनता की बात करें तो यहाँ की जनता का जो राय है बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि थोड़ा सा बीजेपी प्रत्याशी से यहाँ के लोग नाराज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के यहाँ भाजपा को लेकर के उत्साह दिख रहा है और भाजपा के समर्थन में भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो भारी संख्या में आज भीड़ होने वाली है और अमित शाह के जो जनसभा है उसमें काफी भीड़ देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और वो करेंगे अगली बड़ी खबर का ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर। घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। इसके अलावा आपको बता दें कि अधिवक्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसी कड़ी में वो घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वाराणसी में भी वो चुनावी जनसभा करते नजर आएंगे और साथ ही साथ वो अधिवक्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अपने आखिरी पड़ाव पर और 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार भी जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी
मऊ से विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनकी जनसभा को लेकर? जी बता दें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज घोसी के रतनपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मुख्यमंत्री के आने की खुशी में समर्थक कड़ी धूप में कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। बताते चले कि मऊ में मुख्यमंत्री के आने से कुछ बदलाव हो सकता है। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी था कि इस बार बिजली फ्री का सोलर व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों तक फ्री बिजली पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखा जाए आज जनसभा को संबोधित करेंगे, इसमें क्या कुछ दावे करते हैं, ऐसे सभी राजनेताओं की निगाहें जनता पर टिकी हुई है। वहीं घोसी लोकसभा की बातें कर लिया जाए तो घोसी में लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। बसपा सुभाषपा और सपा बता दे कि वर्तमान में घोसी बसपा की जीत रही है, जहाँ अतुल राय 2019 में सांसद बने थे। वहीं घोसी में दलित वोटरों की बात कर लिया जाए तो लगभग 4.5 लाख वोटर है, जिसका सीधे सीधे बसपा को फायदा दिख रहा है। देखना यह सपा और भाजपा कितना दलित वोटरों को मोड़ सकती है। बिल्कुल विवेक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस जनसभा में और कौन कौन मौजूद रहेगा? योगी आदित्यनाथ की जनसभा में एके शर्मा रहेंगे, मंत्री एके शर्मा रहेंगे, दारा चौहान रहेंगे, और सुभाषपा प्रत्याशी अरविंद राजभर रहेंगे, मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, घोसी बलिया रॉबर्ट्सगंज में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कई चुनावी जनसभा करेंगे। और वो करेंगे अगली बड़ी खबर का, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गाजीपुर दौरे पर अखिलेश यादव, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सपा प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। तो अफजाल अंसारी के पक्ष में वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, जनता से समर्थन की अपील करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गाजीपुर दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, और साथ ही उनके समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। अफजल अंसारी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और साथ ही जनता से उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। वहीं गाजीपुर से हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, सबसे पहले आप तो जानना चाहेंगे, आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो आपको ये बताऊं कि अखिलेश यादव का आज गाजीपुर में जनसभा, जहाँ पर प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, किसी तरह का जो है कि प्रशासन दुरुस्त है, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव पुलिस लाइन के हेलीपैड पर 12:40 पर पहुंचेंगे, उसके बाद जनता के बीच पहुंचकर उन्हें संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव यहाँ जनता के बीच 1 घंटा रहेंगे जी, और INDA गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील भी करेंगे, उसके बाद 1:40 चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल प्रमोद, जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की होने वाली इस जनसभा को लेकर गाजीपुर की जनता में किस तरीके का उत्साह देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से दो दिन पहले 25 मई को ही मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जनता को संबोधित किया था, तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो है इस बार जो है अखिलेश यादव यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उसका क्या प्रतिक्रिया होगी ये बाद में पता चलेगा। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से 7 विधानसभा के विधायक इस मंच पर मौजूद रहेंगे, लेकिन जो है कि INDA कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे। रही बात अफजाल अंसारी की बेटी निसरत अंसारी की, वह निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है, मगर अगर वह मंच पर आई तो उनके वोट बैंक पर काफी प्रभाव पड़ सकता है जागृति, क्योंकि उनके चुनाव चिन्ह छड़ी मिला है, जो कि सुभाष सपा का चुनाव चिन्ह भी छड़ी है, तो कहीं ना कहीं छड़ी के चुनाव चिन्ह से उनको फायदा
होता नजर आएगा, तो इसीलिए ये मत साझा नहीं कर सकती है की जागृति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। इसका परिणाम यह है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के लोगों को पता है कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। आपसे कहा आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है, और कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है बीजेपी के लोगों को कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। सातवें चरण में अरे हमें देखा करता है, हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। जो छठवें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों, सातवें में इन्हें सात समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांघ गई। जब आप उद्योगपति माफ कर सकते हो तो गरीबों का किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर रहे? सूदखोर की वजह से घटनाएं बलिया में हुई, गाजीपुर में सुनने में समय समय पे जगह जगह से आती। सरकार ने क्या रास्ता निकाला जिससे गरीबों को बचाया जा सके, या गरीब को कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए कोई इंतजाम इस तरह का हो जहाँ से वो सस्ते दर पर पैसा ले सके। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्रा वाले बयान पर बोलते हुए अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पहले ही चरण में जनता के जोश को देखकर आभास लग गया कि तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह आभास सिर्फ एनडीए को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के साथियों को भी है। जनता का जो आनंद है, जो उल्लास है, जो अपार उत्साह है, वो अपने आप में, अब तो हम सातवें चरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम शुरुआती चरण में थे तभी जनता के जोश से ये आभास हो गया था कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। और ये आभास सिर्फ एनडीए गठबंधन के साथियों को ही नहीं बल्कि इंडी अलायंस के साथियों को भी है कि तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आत्मविश्वास हमारा नहीं, उनका डगमगाया है। राजा भैया वर्सेस अनुप्रिया पटेल इस समय चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में 79 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतने वाला है और बीजेपी पैन इंडिया 140 सीट पर सिमटने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सूपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज़्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज़्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। इसलिए 4 जून के परिणामों का इंतज़ार कीजिए। तो वही लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिल में बसा चुकी है। काशी ने जो सोचा नहीं था वो काशी को मिला। और साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि काशी को विकास के भी दर्शन हुए और विरासत के भी दर्शन हुए। काशी की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय में बसा चुकी है। काशी ने जो सोचा नहीं वो काशी को मिला। काशी को विकास के भी दर्शन हुए और विरासत के भी दर्शन हुए। काशी के विकास की गंगा भी वही है और विरासत की भी गंगा वही है। मैं तो काशी का रहने वाला हूँ, इसी काशी में पैदा हुआ। मेरा गांव बिहार में है मगर हमारा गांव 70 किलोमीटर दूर है। इस नाते हमारा जन्म के लिए हॉस्पिटल काशी, हमारी पढ़ाई का कॉलेज काशी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी। तो उस काशी को देखते हुए जो काशी का वैभव वापस आया, जो अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस काशी विश्वनाथ जी के
कभी क्षतिग्रस्त मंदिर को ठीक कराया, लेकिन गंगा जी से वो मंदिर नहीं दिखता था। गंगा जी के भाग्य थोड़े दूर थे बाबा विश्वनाथ के मंदिर से। गंगा जी को काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ से मिला देने वाले मोदी जी ने, उसी जगह पर गंगा में स्नान करने वाले मोदी जी ने, चाहे वो सड़कों की बात हो, हाईवे की बात हो, या फिर काशी के गरीबों को अलग अलग ढंग से उनको सुविधाएं देने की बात हो, या फिर काशी के रेड़ी पटरी के लोगों को पीएम स्वनिधि की बात हो, चाहे काशी के युवाओं को मुद्रा लोन के साथ स्वरोजगार करने की बात हो, काशी के गांवों को विकास के पथ पर ले जाने की बात हो, किसानों की सहायता की बात हो, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, मोदी जी ने ऐसा किया कि काशी के लोगों ने मोदी जी को अपना भाग्य समझ लिया और उसी मोदी जी के लिए आज तैयार खड़ी है काशी। तो वे उत्तर प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र जायसवाल ने अजय राय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राय वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत प्रधानमंत्री की होगी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 360 सीटें पार कर चुकी है। विपक्ष हताश और निराश है। 6 चरणों के चुनाव ने जो उसकी रुझान दिखाई पड़ रही है, भाजपा 360 क्रॉस कर चुकी है और इस कारण से विपक्ष के हो चाहे अखिलेश चाहे राहुल, यह बकलाहट में बात कर रहे हैं और 4 तारीख को ये बोलने वाले हैं कि ईवीएम गलत था। ये 4 के बाद बोलेंगे, अभी ये बोल रहे हैं। हम लाभ पाए उसी को भी तो लाभ है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाना है, इसलिए हमें फिर से मतदान करते समय बढ़ चढ़ के दिखा। बनारस की जनता ने इनको इनकार कर दिया है। जो यहाँ के प्रत्याशी है वह चुनाव लड़ा है छठी बार और छठी बार चुनाव में लगातार न फर्स्ट पर न सेकेंड पर है, हर बार वो थर्ड पर है और इस कारण से हताश निराश लोगों के बारे में क्या जवाब दिया जाए। तो वही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाराणसी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां बीजेपी समर्थकों ने अब की बार 400 पार के जमकर नारे लगाए। पीयूष गोयल ने यहां चाय के चुस्की के साथ लोगों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि वाराणसी की जनता में भी इस दौरान खूब उत्साह दिखाई दिया। बनारस एक तरफा पूर्ण रूप से मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी को इतना अपार आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा कि वो और ज्यादा गति दे देश के विकास को, और ज्यादा बनारस में प्रगति हो और 140 करोड़ देशवासी सुख से और बड़े सुकून भविष्य उज्जवल भविष्य की तरफ तेजी से बढ़े। देखिये बनारस के लोगों ने हर संभव देश की सेवा की है, देश की विरासत को भी संभाल के रखा है, संजोग के रखा है और बनारस में जिस प्रकार से व्यापार बढ़ रहा है, आज पर्यटन बनारस का एक बहुत बड़ा आमदनी का साधन बन गया है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने के बाद करोड़ों लोग आज बनारस आते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल देते हैं। मैं समझता हूँ निर्यात में भी जो बनारस का योगदान है, इन सबको जोड़े तो विकास की गंगा बनारस में बहुत तेज गति से बह रही है। अब हम इसे आगे चल के और तेज गति देंगे। सर, इस इलेक्शन में हमने देखा इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई, कई सारी इस तरीके की बात हुई, पाक भी इस इलेक्शन में आ गया, इंटरेस्ट लेने लगा, कैसे देखते हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 10 वर्षों में लोगों के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में लगातार योजनाओं से बिना भेदभाव के कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, कभी किसी की जात नहीं पूछी, कभी किसी की भाषा नहीं देखी, कभी ये भी नहीं देखा कि आपने वोट किसको दिया। बिना भेदभाव आज 140 करोड़ लोगों तक विकास की गंगा बही है, चाहे 80 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, 55 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, और अब तो आगे चल के 70 वर्ष की आयु से जितने लोग
70 वर्ष से ज्यादा है सभी को आयुष्मान में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, चाहे वो 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में घर देना यानी 20 करोड़ लगभग भारतवासियों को एक पक्का घर स्वयं का मिलना हो या 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हो, इन सब में कभी भेदभाव नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार बस देश की विकास यात्रा को सैचुरेशन यानी हर व्यक्ति तक पहुंचे ये लक्ष्य रखा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।